Hello dear students, today I am going to explain you how to modify a form. In my previous video, I have already explained you what is form, how to create a form and how to save a form. This is the remain part of the chapter 3 of class 8 computer. So let's start the discussion how to modify a form. After you create a form, it opens in layout view where you can modify it. Form ko create karne ke baad, ye jo hai wo लेआउट व्यू में खुलता है और यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो. टू चेंज द साइज़ ऑफ ए फील्ड, अगर सपोज़ दैट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिट करनी है और वो फील्ड जो है वो बहुत छोटा है, तो इसके लिए आप जो है फील्ड के साइज़ को चेंज कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो उसको. क्लिक अ साइज़ ऑफ ए फील्ड एंड ड्रैग टू चेंज द विड्थ ऑफ द फील्ड. जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख रहे हो कि आपको क्या करना होगा, फील्ड के साइड में क्लिक करना होगा एंड ड्रैग टू चेंज द विड्थ ऑफ ए फील्ड. जैसा कि हम सेल वेल की जो साइज वाइज होती है उसको हम जैसे चेंज करते हैं, वैसे ही सेम है. बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस सेम है, बस जहाँ पे मतलब जगह चेंज है, मतलब हम जो है इसको फॉर्म में कर रहे हैं तो विड्थ हम चेंज कर सकते हैं. और सेकेंड प्रोसेस है क्लिक द टॉप और बॉटम ऑफ ए फील्ड. सब एक तो हम टॉप से कर सकते हैं और दूसरा बॉटम से भी कर सकते हैं, एक साइड भी चेंज कर सकते हैं. तो इससे हम हाइट को चेंज कर लेंगे. फिर है टू मूव अ डेटा सीट. डेटा सीट को अगर मूव कराना है, डेटा सीट वही जो इंफॉर्मेशन जिसमें फिट की जा रही है, तो उसको हम सेलेक्ट करके और उसके बाद ड्रैग कर, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करके एंड ड्रैग द फोर साइडेड एरो इन द अपर राइट कॉर्नर टू मूव द डेटा सीट. फोर साइडेड एरो मिल जाएगा और उससे हम इधर उधर कर सकते हैं इसको, मतलब कि आप अगर कॉर्नर में ले जाना चाहते हैं तो कॉर्नर में, राइट ले जाना चाहते हैं तो राइट में. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कॉर्नर पे, यहाँ पे तो इस तरह से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर लेंगे. और सपोज़ दैट हमने कॉर्नर में चेंज किया तो यहाँ से इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं. और डेटा सीट को मूव कराने के लिए हमको यहाँ से क्लिक करना होगा और उसके बाद ड्रैग करना होगा. ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना नीचे ये वाला, क्लिक एंड ड्रैग टू मूव डेटा सीट एंड क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द डेटा सीट. इस तरह से हम इसको ड्रैग करके और रिसाइज कर लेंगे डेटा सीट को. डेटा सीट अब हमारा वही है जो नीचे ओपन हो रहा था, जिसमें हम फिट कर रहे थे, ऊपर वाले में शो कर रहा था. क्लिक अ साइड ऑफ डेटा सीट एंड ड्रैग टू चेंज द विड्थ. इस तरह से हम डेटा सीट पे क्लिक करके साइड के और वहाँ से हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं. टॉप और बॉटम डेटा सीट पर क्लिक करके और हाइट को चेंज कर सकते हैं. आते हैं टू अप्लाई एन ऑटो फॉर्मेट. ऑटो फॉर्मेट मतलब जो हमारा फॉर्म का फॉर्मेट है, उसको मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि फॉर्म के जो फॉर्मेट है, जैसे किसकी डिज़ाइन वगैरह हुआ या फिर उसका कलर चेंज करना हो, जो इस तरह के फॉर्मेट्स को चेंज करने की बात है, वो हम ऑटो फॉर्मेट भी हमको मिल जाएगा. ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन जो है हमें फॉर्मेट टैब पर मिलेगा, जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट्स को. प्री डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होते हैं, क्विकली कर सकते हैं इसको. सच एज़ बैकग्राउंड कलर्स, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फील्ड कलर चेंज कर सकते हैं, फील्ड का जो लेबल है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. इसके लिए हमको एक्टिवेट करना होगा फॉर्मेट टैब, जो हम फॉर्म लेने के बाद ही फॉर्मेट टैब, एक नया टैब ओपन हो जाएगा ऊपर से. और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे. ऑटो फॉर्मेट मेन्यू से हमें बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे फॉर्म के लिए, और जो फॉर्मेट हमें अच्छा लग रहा हो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. टू चेंज अ फॉर्म टाइटल. फॉर्म टाइटल चेंज करने के लिए हमको टाइप द फॉर्म टाइटल पे क्लिक करना होगा. व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्म बाय डिफॉल्ट एक्सेस यूजेस द फॉर्म नेम एज द टाइटल, यानी फॉर्म नेम को ही वो टाइटल में यूज़ कर लेता है बाय डिफॉल्ट. और अगर आप उसको टाइटल को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहले आपको चेंज करने के लिए भी कुछ प्रोसेस है. फॉर्मेट टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा. जैसे हम क्रिएट करते हैं ना फॉर्म, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब यहाँ पर हमको मिल जाता है पहले से. और उसके बाद फॉर्मेट टैब से हमें यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से कई सारे डिज़ाइंस हमको मिल जाएंगे और जिस डिज़ाइन पे हमको जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए होगा वहाँ से चेंज कर लेंगे. और अगर टाइटल चेंज करना है तो हम यहाँ पे जो टाइटल है हमारे फॉर्म का, वहाँ पर क्लिक करके और वहाँ से हम अपना डायरेक्टली टाइप करके और फॉर्म को नया टाइटल दे सकते हैं. तो फॉर्म का टाइटल चेंज करने के लिए आपको एक्टिवेट फॉर्मेट टैब करना होगा. फॉर्मेट टैब को एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद टाइटल बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप यहां से टाइटल को, अपने फॉर्म के टाइटल को चेंज कर सकते हैं. सो टू ऐड द डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम सपोज़ दैट हमको अपने फॉर्म में ये नीड पड़ गई कि हम उसमें डेट और टाइम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी
यू कैन ईज़िली ऐड द डेट और टाइम टू योर फॉर्म, मतलब हम बहुत ही ईजिली इसमें डेट और टाइम जो है वो ऐड कर सकते हैं। हमको फिर से फॉर्मेट टैब को एक्टिवेट करना होगा और उसके बाद फॉर्मेट टैब एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें डेट एंड टाइम के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लिक द डेट एंड टाइम बटन एंड डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द डेट एंड टाइम फॉर्मेट यू वांट द डेट एंड टाइम अपीयर ऑन योर फॉर्म। तो क्या होगा, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स, उसमें से हम डेट एंड टाइम फॉर्मेट जिस तरह का फॉर्मेट हम चाहते हैं उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और डेट एंड टाइम जो हमारी फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, दिखने लगेगा। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू व्यू अ फॉर्म। व्यू फॉर्म का जो व्यू होता है वो किस तरह का होता है, तो एक्सेस अलाउ करता है तीन तरह के फॉर्म व्यू को, पहला है फॉर्म व्यू, दूसरा है लेआउट व्यू और तीसरा है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को क्लियर बना, किसी भी चीज़ के डिज़ाइन को बताने के लिए हम या क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन व्यू का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तीन व्यू आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो बुक में। यहाँ पे तीन व्यू दिए हुए हैं, फॉर्म व्यू है, लेआउट व्यू है और डिज़ाइन व्यू है। फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू, सो इस तरह से ये तीनों व्यू हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉर्म व्यू क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंटर और एडिट डेटा। फॉर्म व्यू में जब भी होता है तो इसमें हम डेटा को इंटर भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कि डेटा इसमें फिट कर सकते हैं और इसमें इंटर यानी कि एडिट मतलब कि इसमें इम्प्रूव मतलब कुछ सुधार करना हो तो एडिट कर सकते हैं। लेआउट व्यू क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर ऑल चेंजेस यू वॉन्ट टू मेक टू फॉर्म इन एक्सेस। एक्सेस में लेआउट व्यू को यूज़ करने का मतलब है कि अगर हम फॉर्म को चेंज करना चाहते हैं, फॉर्म में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको लेआउट व्यू में जाना होगा। और लेआउट व्यू में क्या होता है, यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्म। लेआउट व्यू में हम फॉर्मेट को चेंज करते हैं, यानी कि फॉर्म व्यू में हम डेटा को एडिट और इंटर करते हैं, लेआउट व्यू में हम उसके फॉर्मेट को मतलब उसकी डिज़ाइन, किस तरह का कलर होगा, किस तरह की फॉन्ट्स का डिज़ाइन होगा, ये सब। और डिज़ाइन व्यू क्या है, डिज़ाइन व्यू गिव्स यू अ मोर डिटेल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म, यानी कि एक डिटेल व्यू देता है हमारे फॉर्म के स्ट्रक्चर को। यू कैन सी द हेडर डिटेल फुटर सेक्शंस फॉर द फॉर्म, आप देख सकते हो इसका हेडर डिटेल जो है, उसके बाद फुटर सेक्शंस इस फॉर्म के सेक्शंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रिपोर्ट्स। सो दिस इज़ एनफ फॉर इन दिस वीडियो बिकॉज द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।